साइट्स के लिए तो न्यूट्रोफिल्स अब प्रोटीएजेस रिलीज करेंगे जो कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की ही डिग्रेडेशन करवा देगा। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो कि सेल डैमेज करवाएंगे और एराकिडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स जो कि रिडक्शन इन द GFR में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जो अदर टाइप ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है जिनमें न्यूट्रोफिल्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते तो उनमें कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट इंजरी जो है ना वो होती है थ्रू द असेंबली ऑफ द C5b C9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी असेंबली की वजह से इंजरी होती है उनमें। अब ये इसमें एविडेंस होता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है ना MAC ये हमारे एपिथीलियल सेल्स की इंजरी इंजर कर देता है उनको, तो वहाँ पे ना ये उनको इंड्यूस कर देगा कि वो सिक्रीट करें वेरियस इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। अब जो अल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवेज होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, तो ये भी एक्टिवेट हो सकते हैं सेल इंजरी या अपोप्टोसिस की वजह से, और ये आल्सो परहैप्स बाय द डिपॉजिटेड IgA की वजह से भी ये एक्टिवेट हो सकते हैं। तो इन एडिशन टू द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो कि रिक्रूट होते हैं हमारी एंटीबॉडीज़ की वजह से और कॉम्प्लीमेंट की वजह से, टी लिम्फोसाइट्स भी ना एक्टिवेट हो जाते हैं इम्यून रिएक्शन में और ये भी इम्प्लीकेट हुए हैं ग्लोमेरुलर इंजरी में। प्लेटलेट्स ये भी एग्रीगेट करेंगे और रिलीज़ करवाएंगे मेडिएटर्स का जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं। रेजिडेंट हमारे ग्लोमेरुलर सेल्स एपिथीलियल मेसेंजियल और एंडोथीलियल ये भी स्टिमुलेट होंगे और मेडिएटर्स को सिक्रीट करेंगे जैसे कि साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1, एराकिडोनिक एसिड बनाएंगे उसके मेटाबोलाइट्स और ग्रोथ फैक्टर्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो थस वर्चुअली सारे जो मेडिएटर्स हैं ना इन द डिस्कशन ऑफ इन्फ्लामेशन जो हमने थर्ड ईयर में चैप्टर 3 में पढ़ा था, तो ये सारे ग्लोमेरुलर इंजरी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आ जाते हैं नॉन इम्यून मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी की तरफ। नॉन इम्यून कैसे ग्लोमेरुलर इंजरी हो रही है, तो अदर देन द इन्फ्लामेशन कोई और भी मैकेनिज्म जो है ना वो ग्लोमेरुलर एबनॉर्मलिटीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन द सर्टेन प्राइमरी रीनल डिसऑर्डर्स। दो जो है वो डिज़र्व करते हैं स्पेशल मेंशन, वो है पोडोसाइट की इंजरी और नेफ्रॉन का लॉस हो जाना। पहला पोडोसाइट की इंजरी के बारे में बात करें तो ये एंटीबॉडीज़ की वजह से इंड्यूस होती है जब वो एंटीबॉडीज़ पोडोसाइट पे अटैक करें उनके एंटीजेंस पे, ठीक है, या फिर ये टॉक्सिन्स की वजह से भी पोडोसाइट इंजरी हो सकती है कंसीवेबली बाय द सर्टेन साइटोकाइंस से भी, या स्टिल पुअरली कैरेक्टराइज सर्क्यूलेटिंग फैक्टर्स की वजह से जैसे कि कुछ केसेस फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में होता है जो हम बाद में देखेंगे जिसमें पोडोसाइट की इंजरी हो जाती है। अब पोडोसाइट की इंजरी ना मॉर्फोलॉजिक चेंजेस प्रोड्यूस करेगी जिसमें होता है कि ना फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट हो जाएगी, बिल्कुल वो ऑब्स्क्योर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैक्यूलाइजेशन हो जाएगी और रिट्रैक्शन एंड डिटैचमेंट हो जाएगी सेल्स की हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और ऑफन इसके नतीजे में प्रोटीन यूरिया डेवलप हो जाएगा। अब इस तरह के चेंजेस जो है ना ये अब इन चेंजेस में मतलब ये असल में ना स्लिट जो नॉर्मल स्लिट डायफ्राम है ना उसका लॉस जो है ये मोस्ट हाईली एसोसिएटेड होता है प्रोटीन यूरिया के साथ। जर्मलाइन म्यूटेशंस हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द स्लिट डायफ्राम में जैसे कि नेफ्रिन और पोडोसिन के अंदर जर्मलाइन म्यूटेशंस भी जो है ना वो भी एसोसिएटेड होती हैं फंक्शनल अल्टरेशन के अंदर जो कि आगे जाके रेयर हेरिडिटरी फॉर्म्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती हैं। दूसरा हमने कहा पोडोसाइट इंजरी के अलावा नेफ्रॉन लॉस होता है। तो देखिए वंस अगर रीनल डिजीज़ हुई तो ग्लोमेरुलर या अदरवाइज नहीं अगर एक बार रीनल डिजीज़ हुई ग्लोमेरुलर या अदरवाइज हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं सफिशेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि हमारा GFR जो है 30% से 50% कम हो जाता है नॉर्मल से, तो सिम्टम्स अपीयर होंगे और प्रोग्रेशन होगी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ जो कि वेरिंग रेट पे प्रोसीड करेगा। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या होगा, प्रोटीन यूरिया होगा और उनके जो ग्लोमेरुला हैं वो वाइड स्प्रेड स्कारिंग शो करेंगे जिसको हम ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस कहते हैं। अब इस तरह की ये प्रोग्रेसिव जो स्क्लेरोसिस है ना ये अडाप्टिव चेंजेस से और ज़्यादा एग्जेबरेट होती है जो कि अडाप्टिव चेंजेस ना इन रिस्पॉन्स टू द लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स की वजह से होते हैं। स्पेसिफिकली जो इंटेक्ट हमारे ग्लोमेरुला हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है ताकि वो हमारे रीनल फंक्शन को जाहिर सी बातें मेंटेन कर सकें। इसके अलावा अल्टरेशन आ जाती है एसोसिएटेड हीमोडायनेमिक चेंजेस में इंक्लूडिंग हमारे जो सिंगल नेफ्रॉन GFR है वो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो उसमें बढ़ जाता है, ट्रांस कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है यानी कैपिलरी हाइपरटेंशन हो जाती है।
तो इस तरह की ये ना अल्ट्रेशन जो है ना ये अल्टीमेटली मेल अडेप्टिव होती हैं और ये आगे जाके एंडोथीलियर और पोडोसाइट की इंजरी करवा देती हैं, ग्लोमेरुलर की परमीएबिलिटी को भी बढ़ा देती हैं, प्रोटीन्स की परमीएबिलिटी को बढ़ा देती हैं और प्रोटीन्स और लिपिड्स की हमारे मेसेंजियल मैट्रिक्स के अंदर एक्यूमुलेशन करवा देती हैं। तो उसके बाद जो है कैपिलरी ओब्लिटरेट हो जाती है, मेसेंजियल मैट्रिक्स और ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स और मेसेंजियल मैट्रिक्स दोनों यानी ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं और फाइनली सेगमेंटल यानी कि किसी पोर्शन को अफेक्ट करने वाली या फिर ग्लोबल जो कि यानी कम्प्लीटली अफेक्ट करे सेगमेंटल या फोकल स्क्लेरोसिस हो जाती है ग्लोमेरुलाई की, ठीक है, स्क्लेरोसिस। अब ये जो है ना ग्लोबल वाली जो स्क्लेरोसिस है उसमें जो है फर्दर वो रिजल्ट करेगी फर्दर रिडक्शन इन द नेफ्रॉन मास और ज़्यादा कम हो जाएगा और इनिशिएट करवा देगी एक विशियस साइकिल प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस का। ठीक हो गया, तो अब हम देख लेते हैं समरी। हमने पूरा डिटेल में देखा क्लिनिकल सिंड्रोम्स और ग्लोमेरुलर इंजरी के बारे में। हमने कहा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसी रीनल डिजीज़ में होती है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, एसिम्प्टोमेटिक हेमेटूरिया, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी एंड एंड स्टेज रीनल डिजीज़। फिर हमने कहा कि डोमिनेंट फीचर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है वो है कि नेफ्रोटिक रेंज का यानी सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया होता है, जबकि नेफ्रिटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया भी होगा और हेमेटूरिया भी होगा और इसके साथ साथ फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी हो जाती है, ठीक है, नेफ्रिटिक में। देन हमने पढ़ा कि ग्लोमेरुलर इंजरी ज़्यादातर जो है ना जब एंटीबॉडीज़ या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन हो जाती है तो उसकी वजह से ये ग्लोमेरुलर इंजरी होती है या एक्टिवेशन हो जाए कॉम्प्लीमेंट की और ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन हो जाए। तो मोस्ट जो कॉमन फॉर्म्स थी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वो कॉज होती हैं जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है जो कि सर्कुलेशन से भी डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर इन सीटू वहीं पर भी बन सकते हैं। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ग्रेनुलर पैटर्न हमने कहा कि शो करते हैं डिपोजिशन पे, ठीक है, डिपोजिशन का। फिर हमने कहा कि ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ही कंपोनेंट्स के अगेंस्ट होती हैं तो ये कॉज होती हैं एंटी GBM एंटीबॉडी मीडिएटेड डिजीज़ का और ऑफन ये सीवियर इंजरी करवा देती हैं। अब इसमें जो पैटर्न है वो हमने कहा कि लीनियर होता है ऑटो एंटीबॉडीज़ में। लेस फ्रिक्वेंटली जो कॉम्प्लीमेंट है ये बिना किसी एंटीबॉडी के भी एक्टिवेट हो सकता है क्योंकि किसी एक्वायर्ड या हेरिडिटरी डिफेक्ट्स इन द रेगुलेशन की वजह से, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया। दैट्स इट, यहाँ पे जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो अब हम इनफार्मासिस्ट से भी ये टॉपिक डिटेल में देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर डिजीज़ के बारे में हमने बेसिक से सारा पढ़ा कि नॉर्मल सबसे पहले ग्लोमेरुलस के बारे में कहा गया है कि ये इसका जो नॉर्मल जो ग्लोमेरुलस है वो एनास्टोमोसिंग नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का बना होता है जो कि फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम के साथ लाइन हुआ होता है और उसमें हमने कहा दो एपिथीलियम की लेयर्स होती हैं। अब ग्लोमेरुलर की कैपिलरी की वॉल के बारे में हमने सारा बेसिक में पढ़ा, अब तो याद भी हो गया होगा कि उसमें एंडोथीलियम होती है, ये पतली लेयर होती है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल सेल्स की और फेनेस्ट्रा जो होते हैं ना वो 70-100 नैनोमीटर डायमीटर का होता है हर एक जो फेनेस्ट्रेशन है। अब उसके बाद उसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है जो कि कोलेजन टाइप 4 की बनी होती है और हेपेरिन सल्फेट की। इसमें तीन लेयर होती है, लेमिना डेंसा जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस सेंट्रल लेयर होती है, बाहर की तरफ जो है वो लेमिना रेरा इंटरना होता है और अंदर की तरफ जो है अंदर की तरफ इंटरना और बाहर की तरफ लेमिना रेरा एक्सटर्ना जो कि दोनों ट्रांस इलेक्ट्रॉन लूसेंट पेरीफेरल लेयर्स हैं। फिर विजरल एपिथेलियल सेल्स की लेयर आती है जो कि पोडोसाइट्स उसमें सेल्स होते हैं और ये सेल्स ना लेमिना रेरा एक्सटर्ना के साथ अडेयर होते हैं ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर मेसेंजियल सेल्स की लेयर थी जो कि कैपिलरीज के और इंटायर जो ग्लोमेरुलर टफ्ट है उनके दरमियान थी और ये सपोर्ट करती है उनको, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं ना ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, फैगोसाइटिक भी होते हैं और प्रोलीफ्रेशन भी करते हैं, ले डाउन करते हैं दोनों मैट्रिक्स की भी कोलेजन की भी। तो ये सारा हमने नॉर्मल ग्लोमेरुलस पढ़ा। फिर हमने ग्लोमेरुलर डिजीज़ के बारे में कहा कि ये वो डिजीज़ हैं जिनमें डैमेज आ जाए हमारे ग्रीनल ग्लोमेरुलाय को जो कि प्राइमरी भी हो सकता है डैमेज या सेकेंडरी। अब हिस्टोलॉजिकली इनको हमने कैरेक्टराइज किया है कि हाइपर सेलुलैरिटी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाना, हायलनाइजेशन हो जाना या स्क्लेरोसिस। तो ये हिस्टोलॉजिकली इनको हमने कैरेक्टराइज किया है ग्लोमेरुलर डिजीज़ को। अब अगर नोमेनक्लेचर देखें ग्लोमेरुलर डिजीज़ का तो ये भी हम सारा पढ़ के आए हैं। एक होती है फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी उनमें फोकल का मतलब है कुछ ग्लोमेरुलाय सिर्फ इन्वॉल्व होंगे। फिर डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सारे ग्लोमेरुलाय इन्वॉल्व होंगे। प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी सारों में हाइपर सेलुलैरिटी हो जाएगी, प्रोलीफरेट करेंगे। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में क्या होगा कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तो थिकन हो जाएगी लेकिन कोई भी प्रोलीफरेटिव चेंज नहीं मिलेगा।
जबकि मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, थिकनिंग भी होगी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की और हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई भी हो जाएंगे, ठीक है, सेलुलरिटी भी बढ़ जाएगी। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस का क्या मतलब है कि फाइब्रोसिस तो होगी सिर्फ एक सेगमेंट में जो कि इन्वॉल्व करेगी ग्लोमेरुलस को, ठीक है, किसी एक सेगमेंट में फोकल है। क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है कि प्रोलीफरेशन हो हमारे पेराइटल एपिथीलियल सेल्स की, विजरल भी थे तो दूसरे एपिथीलियल थे, पेराइटल थे तो पेराइटल एपिथीलियल की जो प्रोलीफरेशन उसको हम क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं। फिर प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ क्या होती है, जो कि सिर्फ ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करे, कोई और ऑर्गन इसमें अफेक्ट ना हो, जबकि सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ क्या थी, जिसमें ग्लोमेरुलाई भी इन्वॉल्व हो बाकी टारगेट ऑर्गन्स भी हों। तो सेकेंडरी वाली और प्राइमरी का हमने पूरा टेबल भी देखा था, हेरिडिटरी भी था जिसमें, जो बेसिक में हम सारा करके आए हैं वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमने लास्ट में बेसिक से पढ़ा वो थी पैथोजेनेसिस ग्लोमेरुलर डिजीजेस की। तो ग्लोमेरुलर डिजीजेस को वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनेसिस हो सकती है, या तो वो इम्यून कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा, इसमें क्या होता है टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और न्यूट्रोफिल्स को वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, जो कि और ज़्यादा ग्लोमेरुलर डैमेज करवाएंगे। अब इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक ग्रेन्यूलर डिपॉजिट्स मिलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के अलॉन्ग द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन द इम्यून फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। दूसरा मैकेनिज्म होता है एंटी GBM एंटीबॉडी इंड्यूस्ड मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ तो बनेंगी जो फिक्स्ड एंटीजन है ना हमारे GBM के ही नॉर्मल कंपोनेंट्स जो हैं उनके फिक्स्ड एंटीजन्स के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी। अब ये एंटीजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस मैकेनिज्म के लिए वो असल में नॉन कोलेजिनस डोमेन NC1 या NCI जो है या फिर α3 जो चेन है कोलेजन टाइप 4 की उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो ये दोनों एंटीजन्स हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हमने पढ़ा कि लीनियर डिपॉजिट हमें मिलते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। इसकी क्लासिक एग्जांपल की बात की हमने गुड पेस्चर सिंड्रोम, ये भी याद रखनी है। तीसरा क्या मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर डिजीज़ का, साइटोकाइन मेडिएटेड मैकेनिज्म। तो साइटोकाइन जैसे कि हमारा इंटरल्यूकिन 1 हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो कि टी सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमारी GBM को अपना नेगेटिव जो चार्ज है उसका अपना GBM का उसको लूज़ करवा देंगे, तो उसके नतीजे में प्रोटीन यूरिया होगा। अब इसमें हमें माइक्रोस्कोपी पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस में कोई भी चेंज नज़र नहीं आता और ये मिनिमल चेंज डिजीज़ के साथ रिप्रेजेंट होता है। देन क्लासिफिकेशन है जो कि हम बेसिक से भी देख के आए हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ की, प्राइमरी सेकेंडरी और हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। तो ये सारे मैंने आपको रीड करके वहाँ पे बताए, यहाँ पे आपने ये याद रखने हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी रीड कर लेती हूँ। प्राइमरी वाली का निमोनिक भी आप याद रखिएगा FM3 on air के साथ, ठीक है। F से फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, M मिनिमल चेंज डिजीज़, 3 यानी यही M जो है 3 बार है, मिनिमल चेंज डिजीज़, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक हो गया। ऑन एयर FM3 एयर पर है, एयर से क्या होगा, A फॉर अक्यूट प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, I से IgA नेफ्रोपैथी, R से रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये आप फ्लैश कार्ड्स बना लें तो ज़्यादा इजी होगा, दिन में आप उसका 5 बार दीदार करें या फिर बोर्ड पे कहीं पे दीवार पे चार्ट बना के लिख लें ये नाम, तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी क्लासिफिकेशन। उसके बाद सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो डायबिटीज़ की वजह से होता है, SLE, गुड पेस्चर सिंड्रोम, अमाइलोडोसिस, वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस, हेनोचिनोला एंड पर्प्यूरा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। हेरिडिटरी डिसऑर्डर बहुत ईजी है, एल्पोर्ट सिंड्रोम, फैब्री डिजीज़, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़। तो अब सारों की डिटेल हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के साथ, ठीक है। अब क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी में जो है इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, तो जब वो रेलिवेंट चैप्टर टॉपिक आएगा तो हम तभी उसको डिस्कस करेंगे। अब वापस हम आ जाते हैं बेसिक की तरफ। तो कह रहा है कि अब हम अपनी टर्न करते हैं कंसिड्रेशन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की और सिंड्रोम्स की जो कि ये प्रोड्यूस करेगा। तो टेबल जो 14.2 है इसको अच्छी तरह से डिटेल में पहले देख लेते हैं, जो अभी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअली। इसमें सारी मेजर प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, ठीक है, जिनका मैंने अभी आपको निमोनिक भी बताया। तो सबसे पहले मिनिमल चेंज डिजीज़ है, इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है कि पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इसके पैथोजेनेसिस तो अननोन है, लेकिन याद रखिएगा कि मिनिमल चेंज डिजीज़ में पोडोसाइट की इंजरी इन्वॉल्व होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल होगी, फ्लोरोसेंस हमें नेगेटिव मिलती है,
और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इफेसमेंट हो जाएगी फूड प्रोसेस की, इसके अलावा कोई भी डिपॉजिट नहीं मिलता। देन हमारे पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, तो ये भी जो है ज़्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करती है। नॉन नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया होता है इसमें। अननोन रिएक्शन हो जाता है या लॉस हो जाता है रीनल मास का, प्लाज्मा फैक्टर में इन्वॉल्व हो सकता है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें फोकल और सेगमेंटल स्क्लेरोसिस मिलेगी, इसके अलावा याद रखिएगा हाइलिनोसिस भी मिलता है हमें इसमें। फ्लोरोसेंस पे हमें यूजली नेगेटिव आता है। IgM और C3 प्रेजेंट हो सकते हैं स्कारिंग वाले एरिया पे, IgM और C3 हमें मिलते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे वही फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट हो जाती है और एपिथेलियल डीनेडेशन मिलेगी, यानी सरफेस लेयर अगर लॉस हो जाए तो उसको हम डीनेडेशन कहते हैं। अगली जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है ना, तो ये भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ ही प्रेजेंट करती है। इसमें होता क्या है कि इन सीटू फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। PLA2R एंटीजन जो है बहुत जो केसेस होते हैं मोस्टली प्राइमरी डिजीज़ के, उसमें हमें ये इन्वॉल्व होता है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। तो ये वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं आपसे एंटीजन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें जो है इसमें डिफ्यूज कैपिलरी वॉल थिकनिंग मिलती है और सब एपिथेलियल स्पाइक फॉर्मेशन। तो इन सारों की डिटेल हम अभी आगे देखेंगे इंडिविजुअली, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। फ्लोरोसेंस पे इसमें हमें IgM नहीं मिलेगी, अब यहाँ पे IgG मिलेगी ग्रेन्युलर, और C3 भी मिलेगा अलोंग द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स भी होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। अगली जो मेम्ब्रेनो प्रोलीफेरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस टाइप 1 है, MPGN type 1, ये नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक दोनों सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करता है। तो MPGN 1 में हमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ही इसका जो है पैथोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव पैटर्न होता है लाइट माइक्रोस्कोपी पे, GBM की स्प्लिटिंग हो जाती है। फ्लोरोसेंस पे कौन सी चीज़ें मिलेंगी यह याद रखनी है, IgG, C3, C1Q एंड C4 अलोंग द GBM एंड एज वेल एज मेसेंजियम में भी ये मिलेंगे हमें। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे सब एंडोथीलियल डिपॉजिट, यहाँ पे सब एपिथीलियल था लेकिन ये MPGM 1 में सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स। अब जो C3 ग्लोमेरुलोपैथी है यानी डेंस डिपॉजिट डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, और C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कह सकते हैं, अब ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम के साथ जो है वो प्रेजेंट करेगा, सॉरी नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक दोनों सिंड्रोम, जिस तरह MPGN कर रही थी। और इसमें जो है नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया भी मिलेगा हमें। पैथोजेनेसिस इसमें ये कि ना अल्टरनेटिव जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है ना वो इसमें एक्टिवेट हो जाता है C3 ग्लोमेरुलोपैथी में, और एंटीबॉडी मेडिएटेड या हेरिडिटरी डिफेक्ट भी हो सकता है इसकी रेगुलेशन में। तो इसमें होता यूँ है कि लाइट माइक्रोस्कोपी में मेसेंजियल प्रोलीफरेशन और मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव पैटर्न मिल सकता है। C3 हमें मिलेगा इसमें फ्लोरोसेंस पे, और इलेक्ट्रॉन में हमें मेसेंजियल इंट्रा मेम्ब्रेनस और सब एंडोथीलियल इलेक्ट्रॉन डेंस या वैक्सी डिपॉजिट्स मिलेंगे। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है वैक्सी डिपॉजिट्स। अगली जो अक्यूट पोस्ट इन्फेक्शस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो कि इन्फेक्शन के बाद होती है, इसमें नेफ्रिटिक सिंड्रोम मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेफ्रिटिक। इम्यून कॉम्प्लेक्स होता यूँ है पैथोजेनेसिस में कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड है और सर्कुलेटिंग या प्लांटेड एंटीजन के अगेंस्ट। डिफ्यूज एंडोकैपिलरी प्रोलीफरेशन हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में मिलेगी, एंडोकैपिलरी ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी। फ्लोरोसेंस पे IgG, C3, GBM में भी और मेसेंजियम में भी मिलेंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें प्राइमरीली सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स ही मिलेंगे, ठीक है, एपिथीलियल हम्प्स, सब एपिथीलियल हम्प्स मिलते हैं। देन IgA नेफ्रोपैथी है। IgA नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट जो है ना वो रिकरेंट, उनको बार बार हेमेच्यूरिया होता है या प्रोटीन यूरिया होता है, तो उनके पैथोजेनेसिस ये है कि उनके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस IgA के बने होते हैं। इसमें हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में मेसेंजियल या फोकल एंडोकैपिलरी प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलता है, जबकि फ्लोरोसेंस में हमें IgA भी मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट IgG भी मिलेगी, IgM भी मिलेगी, C3 भी मिलेगा, कहाँ पे, लेकिन सिर्फ मेसेंजियम में। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेसेंजियल और पैरा मेसेंजियल डेंस डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए GBM नहीं है इन्वॉल्व। उसके बाद है anti-GBM डिजीज़ जिसको हम गुड पेस्चर सिंड्रोम कह रहे हैं, बार बार आ रही है। इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है पेशेंट को, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज़ उसके type 4 कोलेजन α3 चेन के अगेंस्ट बनती हैं उस वजह से। तो इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी में एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलीफरेशन हो जाती है क्रीसेंट्स के साथ और नेक्रोसिस के साथ। इसमें हमें लीनियर IgG और C3 मिलता है, इसके अलावा फिब्रिन भी मिलेगा हमें क्रीसेंट्स के अंदर, ठीक हो गया। कोई भी डिपॉजिट नहीं मिलता हमें
GBM की डिसरप्शंस हो जाती हैं और फिब्रिन भी, ठीक है, इसमें हमें मिलता है फिब्रिन, डिपॉजिट्स वगैरह इस अलावा कुछ नहीं है। लास्ट रह गया पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी वही रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही है, लेकिन इसका कॉज थोड़ा सा डिफरेंट है। पैथोजेनेसिस में ना एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ यानी एनका जो होती है ना ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलीफरेशन होगी विथ क्रीसेंट्स नेक्रोसिस, सेम है गुड पेस्टिस सिंड्रोम की तरह। यहाँ पे जो लाइट फ्लोरोसेंस पे हमें फिब्रिन मिलेगा, क्रीसेंट्स जो होंगे ना उनके अंदर फिब्रिन होगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कोई भी डिपॉजिट नहीं होगा, बिल्कुल गुड पेस्टर सिंड्रोम की तरह। और GBM में डिसरप्शंस होंगी, फिब्रिन भी हमें मिलेगा, सेम ही है तकरीबन दोनों का। दैट्स इट, ये बहुत ही गंदा सा टेबल था जो कि हम आगे सारा डिटेल में करेंगे, पूरा रट्टा है, रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स पास करने हैं और डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो ये टेबल हम जब सारी इंडिविजुअली डिजीज़ पढ़ेंगे डिटेल में तो हमें ये टेबल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम सारा डिटेल में करेंगे दोनों बुक से, बल्कि तीनों बुक्स से करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सी जो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं जो कि हमने सारी देखी, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती हैं, लेकिन एडल्ट्स में ये सिंड्रोम जो है मोस्ट ऑफन सेकेंडरी होगा किसी डायबिटीज़ की वजह से या माइलोइडोसिस के या SLE के सेकेंडरीली होगा, जो कि इस 14.3 टेबल में गिवन है, ठीक है। इसमें देखें ये सारे कॉजेज़ गिवन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, जो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ करवाती है उसकी प्रिवेलेंस गिवन है बच्चों में और एडल्ट्स में कितनी प्रिवेलेंस है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा कि मिनिमल चेंज डिजीज़ बच्चों में ज़्यादातर प्रिवेलेंट होती है, जबकि एडल्ट्स में जो ज़्यादा प्रिवेलेंट है वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, जबकि मिनिमल चेंज डिजीज़ जो है वो बच्चों एडल्ट्स में 10% हो रही है, ठीक है। फिर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस वो एडल्ट्स में ज़्यादा है 35%, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी पे एडल्ट्स में ज़्यादा होती है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव दोनों में होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA वाली याद रखिएगा कि एडल्ट्स में ज़्यादा होती है। फिर कुछ सिस्टमिक डिजीज़ हैं रीनल मैनिफेस्टेशंस के साथ जो कि हमने डिस्कस की, डायबिटीज मेलिटस अमाइलोडोसिस SLE, ड्रग्स की इंजेक्शन जिसमें गोल्ड पेनिसिलिन और स्ट्रीट हीरोइन आ जाता है। फिर कुछ इन्फेक्शन जैसे मलेरिया साइफिलिस हेपेटाइटिस बी और HIV, मेलिग्नेंसी में कार्सिनोमा मेलानोमा वगैरह, मिसकेलेनियस में जैसे बी स्टिंग से एलर्जी हो जाए या हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, ठीक है, तो ये कॉज बनते हैं सिस्टेमिक डिजीज़ जिनमें हमें रीनल मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं, ठीक हो गया। अब ये जो सिस्टेमिक डिजीज़ हैं इनकी जो प्रिवेलेंस होती है ना अप्रोक्सीमेट प्रिवेलेंस वो 5% है इन केसेज ऑफ चिल्ड्रन और 40% होती है इन केसेज ऑफ एडल्ट, ठीक है, सिस्टेमिक वाली। तो अब आ जाए, कह रहा है कि रीनल जो लेशंस जो कि लूपस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और अमाइलोडोसिस की, वो हमने चैप्टर 5 थर्ड ईयर में ही पढ़ लिया था इम्यूनिटी वाले यूनिट में, और वो जो कि डायबिटीज़ की वजह से हों वो चैप्टर नंबर 20 में है, ठीक है। ऐसी रीनल लेशंस जो कि डायबिटीज़ की वजह से हों वो हम एंडोक्राइन वाले यूनिट में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले डिटेल में हम स्टार्ट करते हैं पहली प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो कि है मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है, ये अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।